सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ नेम्स एंड मार्वल क्लासेस और अभी तक की सबसे डिमांडिंग सीरीज नेमसेट के मामले में बैटल ऑफ नेमसेट बन चुकी है। अगर आप पहली बार इसको देखते हैं तो यहां पर 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। टॉपिक होगा कोई दमदार टॉपिक होगा, जैसे कि आज है बाइनोमियल। बाइनोमियल में अभी तक की एनालिसिस कहती है कि 7 क्वेश्चन आए हैं। अगर एनालिसिस चार्ट आपके पास नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि बाइनोमियल क्वाड्रेटिक और कोऑर्डिनेट कितने क्वेश्चन आते हैं, तो सक्सेस मंत्रा नहीं देखा गया, देख लीजिए मावला क्लासेस का। वहां पर हम लोगों ने परफेक्ट एनालिसिस किया है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेटिंग का वीडियो सक्सेस मंत्रा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर नजर डालें और तैयारी शुरू कर दें। बैटल ऑफ नेमसेट की तैयारी आज हम करते हैं नए जोश के साथ और नए एटीट्यूड के साथ। बाइनोमियल टॉपिक रहेगा पार्ट 1 और 26 सीरीज ये पार्ट है, यानी कि 25 सीरीज माई गॉड लगातार चलती आ रही है। तो क्यों ना शुरू किया जाए। आप पेन और कॉपी अपने मजबूत कर लो और इरादे भी मजबूत कर लीजिए। चलिए चलते हैं। चलिए तो जैसा कि आज टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है। 7 क्वेश्चंस आए हैं 2008 से लेकर 18 तक, तो रेशियो कम से कम लगभग 1 क्वेश्चन का बनता है। तो 1 क्वेश्चन बहुत ही इजी टॉपिक का अगर मिलता है 12 नंबर का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बाइनोमियल आधार है, बेसिक है, एलजेब्रा एक बेसिक प्रोवाइड करती है सभी टॉपिक का। अगर छोटे क्वेश्चन छोटे टॉपिक से 1 क्वेश्चन मिल जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2008 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस होंगे बाइनोमियल थ्योरम के, जैसा कि लिया गया है 2019 से 2018 तक, यानी 2009 में क्वेश्चन शुरुआत पहला आया था। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बार आया बाय गॉड, मतलब हॉनेस्टी में बोलूंगा कि अगर एनालिसिस करते हैं तो जेएनयू बीएचयू और इन पेपर्स के एनालिसिस किए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन पहला है, जरूर करें। लिया गया है 1 + x - 2x² की पावर 6 बराबर दिया गया है 1 + a1x + a2x² ।। यहां पर वैल्यू बतानी है a2 + a4 + a6 ।। यानी इवन जो कोफिशिएंट्स हैं उनके सम के बारे में बताते हैं। कभी कभी इवन और कभी कभी ऑड के लिए आता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को अभी यहां 12 तक लिया गया, एन तक भी आता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर सीख लें। बात थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं। हमने मुझे याद है कि इस टाइप का बाइनोमियल का नेमसेट का जो हमने सोल्यूशन दिया है या क्वेश्चन दिया है तो वहां पर हमने डिस्कस किया है और बार बार डिस्कस किया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या, वो 10, 24 हो गए, क्या 64 हो गए, क्या 32 होंगे या 31 हो गए। आंसर फिंगर्स पे है बट आपको देना है। हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, अगले क्वेश्चन पे, जो 2012 का 10 का है। हमने बोला फ्रीक्वेंसी लगभग एक क्वेश्चन एक ईयर के हिसाब से है। तो 2010 का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 + x^n दिया गया, जैसा कि a0 + a1x यानी कि एक्सपेंशन दे दिया गया है। आप 1 + x^n का एक्सपेंशन याद करके रखे होंगे कि 1 + nx + ...। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग दे दिया है और लास्ट में लिया है an x^n। देने का रीजन रहा होगा कि a0, a2, a1 और an कोफिशिएंट्स को आगे यूज कराएंगे, जैसा कि यहां किया गया है कि वैल्यू बतानी है 1 + a1 / a0 एक ब्रैकेट में, फिर आगे होगा 1 + a2 / a1 एक पैटर्न चल रहा है और ...... 1 + an / an-1 इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ए ऑप्शन है n^(n)/n, बी ऑप्शन है n+1 / n/n और सी ऑप्शन पे बढ़ते हैं तो यहां पर n^(n+1)/n+1 है और डी ऑप्शन जैसा कि दिख रहा है n-1 / n/n होगा। नेक्स्ट पायदान पर अगले क्वेश्चन पर 2012 का तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, यानी 2011 में क्वेश्चन नहीं आया और 2008 में नहीं आया, इन 2 साल में क्वेश्चन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं 2 बार 2 क्वेश्चन आए होंगे। तो 2012 में थर्ड क्वेश्चन है 20C8 + 20C9, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सहज होते हैं, सिंपल होते हैं, बस देखना होता है आपको। 20C9 + 20C10 + 21C10 है और 22C11 - 23C11 है। ऑप्शन ए है 22C12, बी ऑप्शन है 20C9 एंड 21C10 एंड डी है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पायदान पर और नेक्स्ट ईयर के लिए 2012, यहां पर भी एक गैप हो गया, 13 में मिस हो गया। चलिए देखिए, इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट x² एंड हायर पावर ऑफ एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड, जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि अगर मोर पावर लेते हैं तो लगभग नेक्स्ट जीरो 0 के करीब हो जाता है, तो ऐसे एक्स भी यहां हायर पावर के लिए 0 होगा। कॉन्सेप्ट है, जरूर सीखे। एनी इंडेक्स का आता है, मतलब घात कुछ भी हो, ऐसे क्वेश्चन में घात
फ्रैक्शन में हो नेगेटिव, तब ऐसी वर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहां लिखा गया है 9 + 2x^(1/2) × 3 + 4x / ब्रैकेट में लिया गया है नीचे 1 - x^(1/5) इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब ये इवैल्यूएट किया जाए तो क्या होगा। तो देखें ऑप्शन ले लेते हैं, क्या वो 9 + 74/15 × x होगा, और बी ऑप्शन है 9 + 74/5 × x होगा, सी ऑप्शन 3 + 74/15 × x होगा, डी ऑप्शन ये रहा 3 + 74/5 × x। नेक्स्ट पायदान पे अभी तक 2014 तक की जर्नी को हमने कंप्लीट किया है, आगे बढ़ रहे हैं। 2017 जंप मार गए भाई, 15 और 16 जंप कर दिया उन्होंने, देखा फिर वही कहानी, हमने बोला रिपीट हुआ तो यहां पर ये रिपीट हो गया 2017 में, बस थोड़ा सा रूप चेंज हो गया, 1 - x + x^2 / n आ गया जो हमारा 2009 में था, थोड़ा सा मगर कौन से सेम है, a0 + a1x + a2 x^2 ... वो ले गए कहां था, a2n तक, a2n x^2n, देन द वैल्यू ऑफ वही काम है, इवन कोफिशिएंट चाहिए, वहां a2 से ले रहे, यहां a0 + a2 + a4 ... ऑप्शन मिलान कर लेते हैं। ये एक ट्रिक भी बना सकते हो कि अगर इवन कोफिशिएंट का सम करना तो n के पावर में ट्रिक हो गई, अब 12 हो 16 हो ये हिंट है, पर आपको करना है, आंसर आपको देने, तो हम पढ़ देते हैं 3 की पावर n + 1/2, 3 की पावर n - 1/2, 1 - 3 की पावर n / 2, 3 की पावर n + 1/2। क्वेश्चन ये जरूर करिए क्योंकि यह शॉर्टकट बन सकता है, बाकी आपके ऊपर है, आगे पायदान पर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पायदान पर 2018 की जर्नी में यहां पर 2 क्वेश्चन आ गया, तो 2 क्वेश्चन समझ रहे ही नहीं, अगर एक साल में 2 क्वेश्चन आए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइनोमियल तो नाम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है, तो लास्ट ईयर के आप करंट ईयर के आप एनालिसिस उठा लीजिए तो पता चल जाएगा कि आता कि नहीं आता, तो पढ़ लो बेटा और सही से पढ़ लो, ये बिल्कुल ना करो कि ये आता हो ये नहीं आता है, आपको पढ़ना है और मैथ पूरी पूरी पढ़ना है, 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आप समझ जाइए, जहां तक मेरी आवाज जाती वो लोग समझ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, a1 a2 .an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर सी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ a1 + a2 .. यहां पर 2 times an है, तो ऑप्शन है क्या वो n इन ब्रैकेट 2c/(1/n) है, बी ऑप्शन है n+1 ब्रैकेट के अंदर c/(1/n) है, और डी सी ऑप्शन है 2n c/(1/n) और डी ऑप्शन है n+1 c/(1/n) और 2 times मल्टीप्लाई है। ये क्वेश्चन एनालिसिस में हमने करवाया है, निम्सेट एनालिसिस में हमने करवाया है, और आपको लगने लगा आप डांटने भी लगे, अरे पढ़ाएंगे अधिकार से डांटेंगे क्यों नहीं भाई, करना है आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2018 का ही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x^n इन द एक्सपेंशन ऑफ इन ब्रैकेट 1 - 2x + 3x² - 4x³ और .. (-n) है, n इंडेक्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन ले लेते हैं, यहां पर ये डिजाइनर स्टाइल नहीं है, फैक्टोरियल 2n लिखा गया है और यहां पर फैक्टोरियल n है और 2n - 1 का फैक्टोरियल है, बी ऑप्शन है फैक्टोरियल 2n / (n-1) का होल स्क्वायर है और सी ऑप्शन फैक्टोरियल 2n / (n) का होल स्क्वायर, नन ऑफ दीज। ऐसा तो नहीं कि भैया अभी तक आपने क्या पेपर डाउनलोड ही नहीं किया हो, अगर आपको पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप राजा महाराजाओं के ईयर में नहीं रहते हैं, अगर आप फिंगर करेंगे और फिंगर पर सीधे नेम से पेपर डाल देंगे तो मावला क्लासेस ही नहीं बहुत सारी साइट्स खुल जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया तो पेपर डाउनलोड कर लो, अगर तक नहीं किए हैं नेम से के पेपर बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे टाइम पर जब हम तैयारी किया करते थे तो पेपर एक बहुत बड़ी किसी दोस्त या किसी बच्चे के पास यानी मेरे फ्रेंड्स के पास पेपर मिल जाता था तो एकदम अकड़ जाता था कि हमारे पास पेपर है, और बड़ी मुश्किल में मांगने पर बस जब उसको बहुत बटरिंग करनी पड़ती थी, समोसे और चाय पिलाना पड़ता था तब वो पेपर देता था। आज आपके पास गूगल है और आप डाउनलोड कर, अभी नहीं किया तो मतलब आप निहायती हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें अपना पूरा बैटल ऑफ निमसेट कंप्लीट करना है और आपको योद्धा बनाना है, ठीक है, बस आपको क्या करना है कि अगर आपको इनकरेज होना है, हमारी स्माइल और हमारी चीजें अच्छी लगती है और मावला क्लासेस के साथ बढ़ना है तो एक काम हम आप बोलते हैं, लोगों ने हमसे बोला कि बोल दिया करो तो हमें याद नहीं रहता, पर बोल देते हैं कि यहां पर एक बटन दिख रहा है दबा दो और आगे बढ़ जाइए और योद्धा बनते रहिए और लोगों को भी इनकरेज करते रहिए और हमें बढ़ना वहां तक जब तक युद्ध के झंडे हम फतेह के गाड़ ना दे और बन ना जाए योद्धा। चलिए थैंक यू धन्यवाद, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जोश के साथ। हां आज आपको अगर ये वीडियो दिखे अगर पूरा देखा है तो भाई टॉपिक तो सजेस्ट कर दो कम से कम, इतना तो फर्ज निभाओ भाई कि अगला टॉपिक कौन सा लिया है, बाइनोमियल कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन यार ले लिए गए। थैंक यू।